welcome or welcome back to my channel. I hope you are doing really well. तो सबसे पहले नमस्ते एंड ओम नमः शिवाय. जल्दी से कमेंट कर दो ओम नमः शिवाय अगर आप बिलोंग करते हो हिंदू कल्चर से, और अगर नहीं भी करते तो भी आप एक हैंड्स ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज गॉड इज़ वन, है ना. तो आज है सावन का पहला सोमवार और इसीलिए मैंने ड्रेस करा है अपने आपको एक रेड में. वैसे मेरा फास्ट नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने कहा पूजा तो कर ही सकते हैं और अच्छे से तैयार होने में कोई बुराई नहीं है. सो यस, इसीलिए मैं फटाफट सुबह सुबह नहा धोकर रेडी होकर पूजा कर चुकी हूँ एंड नाउ आई एम शूटिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर. बिकॉज हम सब जानते हैं कि सावन के ख़त्म होने के साथ साथ और भी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स का स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने सोचा क्यों लेके आया जाए कुछ ऐसा ही कलेक्शन जो हम अपने फेस्टिवल्स में यूज़ कर सके. सो इसीलिए मैं लेके आई हूँ आज सारीज का हॉल. जी हाँ, इट वॉज अ मच रिक्वेस्टेड वीडियो. एज यू कैन सी द कॉमेंट्स, मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि दी एक साड़ीज का हॉल लेके आओ एंड साड़ीज का हॉल होना चाहिए या फिर कुछ भी एथनिक वेयर होना चाहिए. तो मैंने कहा कुर्ता तो हम लोग हमेशा वेयर करते ही रहते हैं, तो आज साड़ीज का हॉल लेकर आती हूँ. कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा और मेरे लिए भी कुछ न्यू होगा, आपके लिए भी कुछ न्यू होगा. और मेरी ऑडियंस की रिक्वेस्ट इज समथिंग जो मुझे फुलफिल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है. सो चलो फिर विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट बिगिन द हॉल और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है. उससे पहले इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू कैन स्टे अपडेटेड विद माय अपकमिंग वीडियो. सो गाइस, वीडियो तो स्टार्ट हो गई है बट मैं शेयर करना चाहूँगी अपना ये फेवरेट सा ड्रिंक जो कि मैं आजकल ये ले रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. अब मुझे नहीं पता कि इससे मेरा वेट लॉस हो रहा है या नहीं, बट दिस इज़ ACV एज यू ऑल नो एप्पल साइडर विनेगर फ्रॉम फ्लिक्स और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगता है इन टेस्ट. मैंने ऑर्डर कर रखा है इन फ्लेवर वाटरमेलन, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है एंड डेफिनेटली बेटर देन ऑल द यू नो स्पार्कलिंग ड्रिंक्स आउट देयर जो कि हम सोडा कोल्ड ड्रिंक्स पेप्सी फैंटा लिमका वगैरह जो भी लेते हैं. तो एज एन रिफ्रेशमेंट दिस इज़ फार फार बेटर. एंड बात की जाए वेट लॉस की, तो कभी भी आप वाटर कंज्यूम करते हो इट ऑलवेज ऑलवेज हेल्प्स यू टू रिमूव ऑल टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी. सो इफ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली टेस्ट दिस एंड ऑर्डर आप कर सकते हो. इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो यस, चलो अभी के लिए हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पीस की तरफ और देखते हैं कि फर्स्ट प्रोडक्ट मैच क्या लेके आई हो. तो जो फर्स्ट साड़ी होने वाली है ये देख सकते हो आप, फ्लिपकार्ट की ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग बहुत ही सही रहता है बिकॉज ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है और आपको कोई पेपर ड्रॉने का कोई चांस नहीं होता है. तो देख सकते हो आप, ये है सीक्वेंस साड़ी जो कि मैंने ऑर्डर करी है इन शेड पर्पल. सो गाइस, साड़ी तो बहुत ही प्यारी है, चाहे कुछ भी कहें हम, पर्पल कलर इज समथिंग बहुत प्यारा है एंड सीक्वेंस में ये साड़ी आई है मेरे पास. देखना मुझे ये था कि इसका पल्ला कैसे होगा. सो गाइस, पल्ला तो पूरा कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो इस पे पूरा सीक्वेंस का डिटेलिंग है कुछ इस तरीके से. इनफैक्ट पूरी साड़ी जब आप ड्रेप करोगे तो इस पे सीक्वेंस का ही डिटेलिंग आएगा. बट वेट अ मिनट, मुझे साड़ी की लेंथ बहुत कम लग रही है, हम मेजर कर लेते हैं. 1, 2, 3, 3.5 प्लस ये थोड़ा सा इन्होंने ये भी दिया है. ओके, सो साड़ी इज 4 meters इन टोटल एंड इसके साथ मुझे मिला है ये कुछ इस तरीके का सिल्क में ब्लाउज है. दिस इज कॉल्ड, ये फैब्रिक का नाम रहता है आई डोंट रिमेम्बर, बट दिस इज काइंड ऑफ वो हार्ड वाला सिल्क फैब्रिक होता है ना, ये वही फैब्रिक है. बट बनने के बाद ये सही लगता है बिकॉज ये सेट हो जाता है और इसमें थोड़ी सी शाइन आती है. तो बात की जाए साड़ी की, तो साड़ी बहुत ही प्यारी आई है गाइज, आप देख सकते हो हेक्सागन में है एंड अ वेरी लाइट वेट पार्टी वेयर साड़ी भी हो सकती है और आप इसको किसी रिसेप्शन वगैरह पार्टी में भी कैरी कर सकते हो. ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ज़्यादा लाइट भी नहीं है. बात की जाए इसके साथ स्टाइल करने की, तो स्टाइल करने के लिए मैं अपने सारे जो स्टाइलिंग शॉर्ट्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यूट्यूब पे. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब
बिकॉज इंस्टाग्राम जो भी मैं प्रोडक्ट्स लेती हूँ उसकी स्टाइलिंग मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती हूँ. सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. और अगर मुझे फॉलो नहीं भी करना कोई बात नहीं, आप मुझे डीएम कर सकते हो दैट हाय आई एम फ्रॉम योर यूट्यूब फैमिली एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विद यू ओवर देयर ऑल्सो. सो अभी के लिए ये है एक ब्यूटीफुल सी साड़ी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है एंड स्टाइल करके फिर आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. बहुत ही एलिगेंट लुक आ रहा है, पार्टी वेयर भी है और बहुत ज़्यादा हैवी और गॉडी भी नहीं है, कहीं पे कोई गोल्डन काम नहीं है. सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. तो अगर आपको अच्छी लगी हो यू कैन ऑर्डर इट एंड और भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे. सो मेक श्योर यू ऑर्डर इट. लिंक आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. गाइस साड़ीज काफ़ी एलिगेंट आउटफिट है इंडियन कल्चर का और मुझे साड़ीज पर्सनली पहनना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं साड़ीज लेके आई हूँ. वेल ये वाली साड़ी भी अपने आप में बहुत ही प्यारी लगी मुझे. सो मेक श्योर कि आप इसको ऑर्डर करो. इसमें और भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस हैं तो यू कैन गिव इट अ ट्राई. अभी के लिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पीस की तरफ जो कि होने वाली है एक स्काई ब्लू कलर की साड़ी. सो लेट्स जस्ट ओपन. वाओ I don't know whether you can see or not, but बहुत ही प्यारी जर्कन टाइप का इसका लुक है. बेसिकली दिस इज़ नॉट जर्कन बट जब आप पहनोगे तो ये लुक जर्कन वाली ही आएगी. एंड ये है गाइज एक नेट की हैवी साड़ी एज यू कैन सी एंड दिस इज द बॉर्डर गिवन ऑन द साड़ी. गाइज बहुत ही प्यारी साड़ी है एज यू कैन सी. पूरा लेस का डिटेलिंग है. एक दो बार पहनने के बाद आप इसको एज अ सूट भी स्टिच करा सकते हो, कोई ड्रेस भी बनवा सकते हो. मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी ये साड़ी अपने आप में. एंड पूरी साड़ी पे ये कुछ इस तरीके से लाइक क्या बोलते हैं इसको, ग्लिटर है या मकैश का वर्क हो रखा है पूरी साड़ी पे. आने का अलग ही शाइन आ रही है. सो गाइस साड़ी बहुत ही प्यारी है, कोई डाउट नहीं आ रहा, मुझे बहुत ही सही लग रही है. आप देख सकते हो इसका बॉर्डर कितना प्यारा है एंड दिस इज़ द पल्ला. इट्स नॉट द साड़ी का बॉर्डर, दिस इज़ द पल्ला. प्लस ये जो है हमें डिटेलिंग मिली है इसके अंदर. ओ माई गॉड ये साड़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है, दिस इज़ अराउंड 2200 बट इट्स टोटली वर्थ इट गाइज. और बहुत ही सही लगी. इसमें कलर ऑप्शंस एक पिंक कलर अवेलेबल था, एक ब्लू था और एक लाइम येलो कलर का शेड अवेलेबल है. आई थिंक दिस इज़ जस्ट सो प्रिटी. आप देख सकते हो ये है पूरी डिटेलिंग ऑफ द साड़ी, तरीके से उस पर काम हो रखा है. उसी तरीके से क्लोजअप में मैं आपको दिखा देती हूँ. ये जब आप देख पा रहे होंगे पूरी साड़ी पे कुछ इस तरीके से नग नग लगे हुए हैं छोटे छोटे. तो जब आप पहनोगे साड़ी में बहुत ही प्यारी सी शाइन आएगी और एकदम आप शाइन करोगे. बहुत ही अमेजिंग सी साड़ी है. लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मेक श्योर यू ऑर्डर. और साइड में पूरी साड़ी के इस तरीके से बॉर्डर दिया गया है, सिंपली गॉर्जियस. नो मुझे तो बहुत ही पसंद आती हैं ऐसी डिज़ाइनर साड़ीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो, कलर उसमें मतलब मर्ज हो रहा है कलर, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं. बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट सी साड़ी है एंड येट वेरी ब्यूटिफुल. और इसको मैं आपको स्टाइल करके भी दिखा रही हूँ. बहुत ही प्यारा लुक है गाइज, जल्दी से ऑर्डर कर लो इससे पहले कि हो जाए आउट ऑफ स्टॉक. सो चलो फिर अभी के लिए हम बनते हैं अपने नेक्स्ट पीस की तरफ. गाइज नेक्स्ट साड़ी हमारी होने वाली है कलमकारी साड़ी. दिस इज शेड ब्लैक एंड बेज काइंड ऑफ शेड और ये मुझे देखकर काफ़ी पसंद आई थी बिकॉज कलमकारी इज अ सॉर्ट ऑफ हैंड वर्क जो कि ट्रेडिशनल होता है, ट्राइबल्स करते हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत से वो लोग बनाते हैं. बट दिस इज़ कलमकारी, बट ये कलमकारी जो है डिजिटल प्रिंट में है और जिसका फैब्रिक यूज़ किया गया है दिस इज़ काइंड ऑफ खादी कॉटन और बहुत ही सही लग रही है मुझे, एलिगेंट भी लग रही है. ये आप देख सकते हो इसके ऊपर पूरा ट्राइबल वर्क हो रखा है, वो ट्राइबल एलिफेंट कैमल्स एंड वो जो सवारियाँ चलती हैं इस तरीके का कुछ ट्रेडिशनल एंड ट्राइबल वर्क हो रखा है. बहुत ही प्यारे से टैसल्स की डिटेलिंग है इसके पल्ले में एंड दिस इज़ हाउ द साड़ी लुक्स लाइक. दिस इज़ द पल्ला ऑफ द साड़ी और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है गाइस, नो डाउट. मुझे ऐसी साड़ीज बहुत ज़्यादा पसंद है. इसके साथ हमें मिला है ब्लैक कलर का ब्लाउज. बात की जाए साड़ी की तो इसकी विड्थ चेक कर लेते हैं. 1 2 ओ माय गॉड यू गाइस ये साड़ी कंप्लीट 5 मीटर्स की हमें मिली है एंड बहुत ही सही प्यारी लग रही है मुझे तो. ये टैसल्स एंड वर्क मैंने आपको पूरा प्रिंट दिखा दिया है, इट्स सो एलिगेंट. आप कहीं भी पहन के जाओगे, मतलब जो बड़ी बड़ी पॉलिटिशियंस होती हैं ना वो कुछ इसी टाइप की साड़ीज पहनती हैं. एंड इसके साथ हमें मिल रहा है 1 मीटर का ब्लाउज का फैब्रिक विच इज़ वेरी गुड. ब्लैक कलर में आप ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो. मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप स्लिम ट्रिम हो,
स्लीवलेस ब्लाउज होता है, यहाँ तक का हाई नेक उस तरीके से बनवाओ तो हॉल्टर नेक जिसको बोला जाता है, हॉल्टर नेक ब्लाउज सिलवाओ एंड यू आर गोइंग टू लुक फैबुलस, बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड अगर आप थोड़े से मेरे तरीके से चबी हो तो आप सिंपली यहाँ तक का ब्लाउज सिलवाओ, इसका फुल स्लीव्स का एंड लेंथ उसकी बिल्कुल यहाँ तक रखो एंड बहुत ही सेक्सी लुक आएगा बिलीव मी, और आप बहुत ही मस्त लगोगे। तो चलो फिर पढ़ते अपने नेक्स्ट पीस की तरफ। नेक्स्ट साड़ी जो होने वाली है, दिस इज अ सिल्क साड़ी गाइस। सिल्क की साड़ीज़ की अपनी ही ब्यूटी होती है। वैसे तो सिल्क साड़ीज़ आप सबको पता ही होगा फेमस है साउथ में और वाराणसी साइड में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, बट अभी के लिए मैंने ऑर्डर करी है ऑनलाइन और ये शेड पर्पल है और इसके ऊपर मुझे लगा था गोल्डन में वर्क होगा बट दिस इज काइंड ऑफ रोज गोल्ड कलर का थ्रेड इसमें यूज़ किया गया है। साड़ी तो काफ़ी प्रिटी लग रही है, कोई डाउट नहीं आ रहा मुझे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके ऊपर है सुंदर सा बॉर्डर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ये है साड़ी का पल्ला गाइस, ये बॉर्डर आएगा कुछ इस तरीके से आपकी साड़ी का पल्ले पे एंड ये है बूटी वर्क, यू कैन सी, आप देख सकते हैं काफी प्यारा लुक आ रहा है नो डाउट। ब्लाउज का फैब्रिक कुछ अच्छा खासा दिया गया है, ब्लाउज के लिए अगेन हमको इस तरीके से ये बॉर्डर दिया गया है जो आप ले सकते हो अपनी स्लीव्स में और मे बी यू कैन यूज इट फॉर द नेक एरिया, अगर आप बोट नेक बनवा रहे हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। एंड ये इंडिगो वॉलेट कलर है, एकदम जिसको कहा जाता है डार्क बैंगनी कलर, दिस इज दैट कलर गाइज, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। बूटी वर्क की डिटेलिंग है प्लस दिस बॉर्डर एंड एवरीथिंग इज जस्ट लुकिंग सो प्रिटी। साड़ी की लेंथ काफ़ी अच्छी है गाइज, देख सकते हो आप द फिनिशिंग द लेंथ। क्लोजअप में मैं आपको इसका वर्क दिखा देती हूँ, इट्स प्रॉपर सिल्क थ्रेड जो वोवन वाला डिज़ाइन होता है वही वाला डिज़ाइन है। अगर बात करी जाए साड़ी के प्राइस की, वैसे तो अगर आप प्योर सिल्क की जो ऑथेंटिक प्योर सिल्क होता है उसकी साड़ीज लेने जाओगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव आती हैं और 1-1 लाख 2-2 लाख तक उसके प्राइसेस जाते हैं, बिकॉज जो प्योर सिल्क होता है उसकी बात कुछ और होती है। बट दिस इज सिंथेटिक सिल्क जो कि आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, बट हम लोग जो है आजकल सब कुछ अफोर्डेबल चाहते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये साड़ी बहुत ही अच्छी है। 500 के विद इन है ये साड़ी एंड आपको दो कलर्स और मिल जाएंगे, आई थिंक इंडिगो ब्लू एंड मैरून कलर वॉज अवेलेबल इन दिस, बट मुझे पर्पल कलर बहुत ही हटके लगा एंड बहुत अच्छा लगा। आप इसके साथ रेड कलर की ज्वेलरी भी पेयर अप कर सकते हो, येल्लो भी कर सकते हो, इवन यू कैन वेयर इट विद अ मस्टर्ड ब्लाउज, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा बिलीव मी। एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक दिस प्रिटी सी साड़ी मेक श्योर यू ऑर्डर इट एंड जल्दी से कॉमेंट करो फॉर लिंक सो दैट आपसे ये साड़ी बिल्कुल भी मिस ना हो। नेक्स्ट साड़ी इज अगेन अ प्रिंटेड साड़ी, इट्स नॉट अ सिल्क साड़ी, बहुत ही लाइट वेट होने वाली है गाइस। ये साड़ी जॉर्जेट में है बट मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक लगा, सो ये यू कैन सी, ये साड़ी उन लोगों के लिए बहुत सही है जो रेगुलर यूज में साड़ीज पहनते हैं। बहुत ही प्यारी सी हल्की सी साड़ी है एकदम, और आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ही मतलब आउटडेटेड काइंड ऑफ है, ये बहुत ही न्यू कलर का पैटर्न है, न्यू डिज़ाइन है, इसके ऊपर हमें बॉर्डर वर्क दिया गया है, बहुत ही मॉडर्न सा इसका प्रिंट है एंड बात की जाए कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही मस्त लगा मुझे। एंड ये पल्ला है, पल्ले में कुछ इस तरीके से टैसल्स गिवन है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, एकदम लाइट वेट की ये साड़ी है, आप इसको ज़रूर लें और इससे आप कोई भी ड्रेस भी बनवा सकते हैं। आई मीन मैं तो क्या करती हूँ ना कि इस टाइप की साड़ीज़ जो मैं हॉल में लेती हूँ मैं एक दो बार उसको वेयर करती हूँ और उसके बाद मैं उसकी कोई ड्रेस बनवा लेती हूँ बिकॉज इतनी साड़ीज़ मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। इसके साथ हमें मिला है रेड ब्लाउज जिस पर अगेन ये बॉर्डर गिवन है, तो साड़ीज़ का कफ्तान्स वगैरह आप बनवा सकते हो, बहुत ही अच्छे लगते हैं और लाइट वेट भी रहते हैं और आप जब बनवाने जाओगे तो आपको पता लगेगा पहनने के बाद स्मार्ट लुक आती है, एकदम न्यू लुक आती है एंड देख सकते हो आप ये साड़ी का कॉम्बिनेशन काफ़ी ही एलिगेंट है गाइस। साड़ी अपने आप में बहुत ही ग्रेसफुल है, लाइट वेट है, आप इसके साथ पर्ल्स ज्वेलरी भी कैरी कर सकते हो, यू नो वो एक मॉडर्न एंड एलिगेंट लुक जब आपको चाहिए तो आप इस टाइप की साड़ीज पहन सकते हो जो कि लाइट वेट है। अब आप ये कहोगे कि ये साड़ी फेस्टिव वेयर नहीं थी, बट मेरे एंड से किसी भी चीज़ को अगर आप फेस्टिव वेयर के क्रिएट करना चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो बाय वेयरिंग सच हैवी ज्वेलरी एंड मे बी पेयरिंग इट विद सम एलिगेंट यू नो एडी ज्वेलरी और
उसके लिए आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियो मिस नहीं करने हैं, बिल्कुल आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर देखने हैं, बिकॉज वहाँ पर मैं अपना स्टाइलिंग दिखाती हूँ, जो भी प्रोडक्ट्स मेरे हॉल वीडियो में आते हैं। सो उसके लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब। एंड अभी के लिए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पीस की तरफ, जो कि होने वाला है एक बहुत ही अमेजिंग सी साड़ी। सो गाइज, ये साड़ी दिखाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ कि इस साड़ी को मैंने कैसे ऑर्डर करा, बिकॉज ये साड़ी का जो फैब्रिक है, जो प्रिंट है, ये गुजराती ट्रेडिशन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड गुजराती इसको बहुत ही ज़्यादा रिच मानते हैं, रिच वाइब देती है ये साड़ी एंड ये प्रिंट, तो इसीलिए मैंने ऑर्डर करी थी ये ब्यूटीफुल सी साड़ी। एंड इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये साड़ी, और ये साड़ी को अगर आपको नहीं पता है तो ये साड़ी को कहा जाता है पटोला साड़ी। एंड दीज साड़ीज आर रिसेंटली वॉर्न बाय अंबानी फैमिली इन द वेडिंग, और मेन वेडिंग ओकेजन में नहीं, बट बहुत से उनके जो छोटे मोटे वेडिंग सेरेमनीज रहे हैं उसमें उन्होंने नीता अंबानी मैम ने स्टाइल किया है। प्लस जो कोकिला बहन है अनंत अंबानी की ग्रैंड मदर, शी ऑल्सो यूज टू कैरी दिस पटोला फैब्रिक साड़ी। एंड आई एम श्योर कि उनका जो पटोला होगा वो डेफिनेटली प्योर होगा, एंड इट इज़ वे मोर एक्सपेंसिव देन द वन आई एम शोइंग, बट डेफिनेटली वी कैन गो फॉर ड्यूप्स, है ना। अफोर्डेबल पीसेज आर समथिंग वी मिडिल क्लास ऑलवेज वॉन्ट टू रेफर। सो आई थिंक मेरे को ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगी, एंड कलर कॉम्बिनेशन इज येट सो एलिगेंट एंड रिच वाइब्स दे रहा है। तो मैंने इसको ऑर्डर करा है ग्रीन एंड रेड कलर में। यू कैन सी द साड़ी इज वेरी लाइट वेट गाइज, जब आप इसको पहनोगे ये बिल्कुल भी लाइट वेट नहीं लगेगी। एंड कैन यू बिलीव द प्राइस? नो यू कैन नॉट बिलीव, इट्स विद इन 300 यू गाइज, इट्स सो सो गुड। अब मैं आपको क्लोजअप में दिखा देती हूँ। दिस इज अ वोवन, लाइक दिस इज़ अ प्रिंटेड फैब्रिक, जो कि प्रिंटेड है। इट्स अ काइंड ऑफ सेमी सिल्क फैब्रिक, इट्स नॉट प्योर सिल्क, और बहुत ही अच्छी है ये साड़ी। अगर आप पहन लेते हो तो अगेन ये मतलब आपको कहीं से हल्का फील नहीं कराएगी, एंड एक रिच फेस्टिव वाइब्स आप ले सकते हो, एंड जल्दी से ऑर्डर कर सकते हो। ये प्रेटी सी साड़ी है, गुजराती ट्रेडिशन में इस फैब्रिक को बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑस्पिशियस माना जाता है, एंड इट इज़ समथिंग यू नो जो उनके कल्चर से बहुत रिलेट करता है। सो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू कैरी दिस ब्यूटिफुल साड़ी एंड लुक सो प्रिटी लाइक अ गुजराती प्रिंसेस, सो मेक श्योर यू ऑर्डर। और अगर आपके कोई गुजराती फ्रेंड्स भी हैं तो उनको भी आप टैग कर सकते हो, शेयर कर सकते हो मेरी वीडियो, एंड सो दैट दे कैन ऑल्सो सी एंड शेयर देयर पर्सनल ओपिनियंस अबाउट दिस गुजराती साड़ी विद ऑल ऑफ यू ऑल, बिकॉज गुजराती में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, एंड आई पर्सनली लव टू ट्राई ईच एंड एवरी रिलीजन दैट इज़ रिलेटेड टू इंडिया, बिकॉज हमारी इंडिया कल्चर बहुत ही रिच है और इसमें बहुत सारे लोग बसे हुए हैं अलग अलग तरह के और अलग अलग कल्चर, सो इट्स वेरी रिच एंड दिस इज़ वाई वी आर कॉल्ड अ सेकुलर स्टेट। तो आई थिंक मुझे हर कल्चर के कपड़े लाना बहुत पसंद है, और मैं बहुत ही जल्द कुछ डिफरेंट भी ट्राई करना चाहती हूँ, बट अभी वो मैं शेयर नहीं करूँगी। वंस आई विल कम अप विद दैट आई विल श्योरली शेयर इट विद यू ऑल राइट। तब तक के लिए आज की वीडियो हम यही पैन करते हैं। सी यू वेरी सून विद अ न्यू हॉल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।